तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि जोंग लियांग ने अंदर ही अंदर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके लूसा को इंसर्ट कर दिया था, जिस पर डेना लूसा के पास आके इसे पकड़ते हुए पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। और फिर डेना बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि जोंग लियांग आखिर तुम्हें क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तब जोंग लियांग कहता है साबित क्या करना, मैं तो बस दो टीचर के बीच झगड़े को रोक रहा था। जिस पर डेना मिस लू के फादर से कहता है कि एल्डर आपने देखा कि अभी अभी जोंग लियांग ने क्या किया। ये रोकने वाले लूसा से अपना पर्सनल गुस्सा निकाल रहा है, आपसे आग्रह है कि प्लीज लूसा के साथ न्याय कीजिए। इसी बटे की वजह से लूसा के कई मेरिटन्स और विंस डैमेज हो गए हैं। तभी सुने मिस लू बहुत ही शौक होते हुए कह दे कि क्या, जिस वजह जोंग लियांग अब लूसा की ओर देखे अपने मन में कह दे कि चलो अच्छा वही अब ज्यादा नहीं उछल पाएगा। और फिर ये अब मिस लू के फादर के पास आते हुए कह दे कि एल्डर मैंने कोई भी गलती नहीं की है। लूसा की बॉडी वीक थी जिसकी वजह से वह साइड करते ही इसकी बॉडी डैमेज हो गई। मुझे तो शुरू से इस लड़के पे शक था कि किसी टाइप की फॉर्मिडन टेक्निक का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से कम लेवल होने के बावजूद भी इसकी पावर बाकी उसका काफी ज्यादा है। वरना इस एग्जाम में इसका अपोनेंट एक से बढ़कर एक डिसेबल था, मगर उन सबको इसने ऐसे डिफीट किया मानो जैसे वो लोग कुछ थे ही नहीं। डेविन कहता है कि जोंग लियांग अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही इसका रीजन बता दिया है। जिस पर जोंग लियांग कहता है कि शेंग में चांद तुम अपने सेक्ट को फेमस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, मगर ये सारा सेक्ट यहाँ तुम्हारा कोई भी झूठ नहीं चलने वाला। तब मिसलू के फादर अब गार्ड्स को आवाज देते हुए कहते हैं कि पकड़ लो इसे। जिस पर इनके इतना कहते हैं यहाँ दो गार्ड सफेर हो जाते हैं जो एल्डर जोंग लियांग को पकड़ते हुए घुटनों में बैठा देते हैं। तब एल्डर जोंग लियांग कहता है कि एल्डर लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस पर एल्डर कहता है कि जोंग क्या मैं तुम्हें अंधा दिख रहा हूँ, क्या मैं नहीं देख सकता कि तुमने किस तरह से लूसा को रोकने के बहाने उस पर अटैक किया। वो सब छोड़ जब दो डिसेबल ऑफिसर रूप से फाइट कर रहे हो तो फिर तुम कौन होते हो बीच में जाके इन्हें रोकने वाले। गार्ड्स ले जाकर इसे डाल दो जाके प्रिजन में ताकि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। तब सीन चेंज होता है, हम लूसा को बेड में लेटा हुआ देखते हैं। यह खुद से कह रहा है कि यही नहीं हो रहा कि सोल बास्टन मेरे टोटल 21 मेरिडियंस को डैमेज कर दिया। जिस पर अब तक यहाँ मिसलू आते हुए कह दे कि तुम जाग गए, देखो तुमसे मिलने के लिए फादर आए हैं। तब मिसलू के फादर भी अब यहाँ आते हुए कह दे सारा टेस्ट खत्म हुआ, तुम नंबर वन की पोजीशन साथ सक्सेसफुली सेट में एंटर हो चुके हो और ये तुम्हारा ही कमरा है, हमने तुम्हें ला के लिटा दिया था। वेल ये रहा मेरी ओर से एक छोटा सा रिवॉर्ड, ये हाई ग्रेड की मेरो पिल है जो तुम्हारे मेरिनेंस को दोबारा से रिकवर कर देंगे। जिस पर लो जावी थैंक यू सो मच एल्डर वेन कहता है। तब एल्डर वेन कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने मेरी बेटी की मारी ठीक, इसके बदले मैं तुम्हें ये पिल दे रहा हूँ, हिसाब बराबर हो गया। और फिर एल्डर वेन लू से कहता है चलो अब लो साहब को रेस्ट करने दो। तब इतना कह ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिस पर लू इस बिहेवियर को देखते हुए खुद से कहता है कि लगता है लू के फादर मुझे लू के साथ देखना नहीं चाहते और इसीलिए उन्होंने मुझे इतना महंगा पिल दिया था कि मैंने लू की बीमारी को ठीक करके उसके ऊपर जो एहसान किया है उसे चुका सके। हाँ मैं सही, वो सच में मुझे लू के साथ देखना नहीं चाहते। तो अब ऐसे ही करीब 5 घंटे बीत जाते हैं, जिससे बाद मिस लू के एल्डर के साथ दोबारा लूसा के कमरे में आती है और आते हुए कहते हैं कि हमारे बहुत ही बड़े डॉक्टर एल्डर जाओ है, ये तुम्हारे मेरिडियंस को बहुत ही कम समय में ठीक कर देंगे। तब ये एल्डर भी अब अपनी पावर से लू जाओ को ठीक करना शुरू कर देते हैं और करते हुए कहते हैं कि लड़के तुम्हारे अंदर सच में बहुत टैलेंट है, मगर मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, जितना ज्यादा हो सके मिस लू से दूर रहो वरना ये टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा और तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। जिस वह लू जाओ कह रहा है क्या ये बात एल्डर इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। तभी एल्डर कह रहे बिल्कुल अभी तुम मिस लू के लिए बहुत ही ज्यादा वीक हो, तुम्हारा और मिस लू का कोई मैच ही नहीं है, इसलिए बात तुम्हें मिस लू के सामने बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। और इतना कह ये एल्डर यहाँ जाते हुए कह रहे कि एल्डर वैन ने तुम्हें पर्सनली मुझे ठीक करने के लिए कहा था और ठीक करने के बाद पर्सनली ये भी बताने के लिए कहा था कि तुम इस सेक्टर में पावरफुल बनने आए तो फिर उसी पे फोकस करो, ज्यादा इधर उधर ध्यान मत लगाना, वरना अगर दिए हुए ऑर्डर को भी अनफॉलो करने की कोशिश की तो फिर यहाँ के रूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हें इस सेक्ट से धक्के मार के निकालने में। जाने बाद लूसा मिस लू से खुल के क्या देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे तुमसे शादी भी कर लूंगा, बताओ क्या तुम्हारी ओर से भी हाँ है। जिस पर मिस लू बहुत ही ज्यादा बलस करते इस बात को डालने की कोशिश करती है। तब लूसा सीधे मिस लू का हाथ पकड़ते हुए क्या था कि मैं जानता हूँ कि मैं अभी बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, इसीलिए तुम्हारे फादर मुझे लाइक नहीं करते, लेकिन वादा करता हूँ फ्यूचर में तुम्हारे फादर खुद अपनी खुशी से तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में देंगे, बस मुझे कुछ साल चाहिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए। गाइस क्या किया दो प्यार के इजहार हो तो ऐसा, वरना ये खेला तो आजकल के निबंध भी करते हैं। जिस वक्त अभी यहाँ से एल्डर जोंग लियांग गुजरते हैं तब इसे देखकर लूसा कहता है कि ये बाहर कैसे आई, इन्हें तो प्रिजन में होना चाहिए था ना। जिस पर मिस लू कहती है मेरे फादर ने तो इन्हें प्रिजन में डाल दिया था, लेकिन बाकी गेट में एल्डरों में से किसी एक ने आके इसे पर्सनली बचा लिया, इतना ही नहीं इसके पोजिशन पे वापिस लौटा दिया। तब लूसा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना ज्यादा पावरफुल होना होगा, क्योंकि अगर इसका कॉन्टेक्ट 9 मेन एल्डरों में से एक से है इसका मतलब ये दोबारा मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि रूल तोड़ने पर भी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली।
जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम देख लुईसा अपने कमरे में बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। जाए उन्हें सारी बातें सोचते सोचते फाइनली किसी रिलम में थर्ड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद स्पील की ओर देखते हैं क्या है कि वाकई में स्पील का असर तो बहुत ही लाजवाब है। चलो फाइटिंग टेक्निक के ऊपर काम किया जाए। और इतना कि लुईसा बाहर आते अपने पंचों की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तब कुछ दिनों बाद मिस लुआ भी हाँ लुईसा से मिलने आती है। जो आते ही क्या देखे वहाँ क्या बात है, बस 3 ही दिनों में एक और लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। तब लुईसा क्या है यहाँ तुम्हारे फादर के दिए हुए फील का कमाल है, जिस पर मिस लुआ क्या देखिए चलो एक्सचेंज डिपार्टमेंट से घूम के आते हैं। वहाँ भी बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्निक है, शायद उनमें से तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। तब लुईसा और मिस लुआ ट्रेजर डिपार्टमेंट की ओर जाने लगते हैं। जहाँ लोग इन्हें देखते हैं क्या देखिए आखिरी लड़का मिस लुआ के साथ क्यों घूम रहा है, क्या ऐसे किसी ने बताया नहीं कि मिस लुआ कौन है। तब लुईसा इन लोगों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद अब ये लोग ट्रेजर डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। जहाँ इसके बारे में बता दे लू क्या देखिए अभी तुम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के ट्रेजर को ले सकते हो, मगर जैसे जैसे और ज्यादा पावरफुल होते जाओगे तुम्हें बाकी के भी फ्लोरों में एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी। और थोड़ी देर के बाद ये लोग इस पवेलियन से निकल जाते हैं। तब इस लू क्या देखिए हम दोनों ने 5वें लेवल के थंडर स्पॉट टेक्निक और शैडो बॉडी टेक्निक को लिया है, चलो अब देखते हैं इन दोनों ही टेक्निक को पहले कौन मास्टरी कर पाता है। जिस वो लुईसा क्या देख डोंट वरी मेरे होते हुए तुम्हें इन टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब मिस लुआ क्या देखिए तुमने मुझे कोई कमजोर लड़की समझा है, मैं चाहू तो तुम्हें भी डिफीट कर दूंगी, बताओ क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। जिस वो लुईसा हंसते हुए क्या देख नहीं नहीं मैं पहले ही हार गया। तब अपने रूम पहुंचने के बाद लुईसा शैडो बॉडी टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिसके बाद टाइम से सेट की क्लास को भी अटेंड करता है। जाइंट के एल्डर एंशिएंट टाइम के मोस्ट पावरफुल गॉड्स के बारे में पढ़ा रहे थे और पढ़ाते हुए कैसे गॉड के बारे में बता रहे थे जो कि एक मामूली बच्चा था लेकिन आगे जाके देवताओं का देवता बन गया, जबकि उस मामूली बच्चे के पास एक फिजिकल बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं था। गाइस देख रहे हो इसे कहते हैं रोला, मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया ये देखे की सीरीज में सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को एज एंशिएंट गॉड के रूप में रेफरेंस दिया गया है। जिस वो लुईसा क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकलते हुए खुद से क्या आता है कि आखिरी एल्डर कितना ज्यादा फेंकते हैं, भला एक बच्चा जिसके पास कोई भी खास पावर नहीं और बाकी लोगों की तरह एक फिजिकल बॉडी है वो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड का देवताओं का देवता कैसे बन सकता है। ये एल्डर बिना सोचते कि हम बच्चे हैं तो कुछ भी मान लेंगे। जो भी हो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी थी इसलिए चाहे फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड की। तब लुईसा यही सब सोचते हुए बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी से सामने ये लड़का आते हुए क्या आता है कि वो तो तुम हो लुईसा, जिसने इस साल के एग्जाम में नंबर 1 की पोजिशन को हासिल किया है। जिस वो लुईसा क्या आता है हाँ मैं ही, लेकिन तुम लोग कौन हो। तभी बल वाला क्या देख हम लोग तुम्हें यहाँ बस ये बताने आए हैं कि जितना हो सके मिस लू से दूर रहना, तुम्हारी औकात नहीं उनके बराबर में खड़े रहने की। जिस पर ये लड़का क्या देख चलो मैं तुम्हें और ज्यादा क्लियर कट समझाता हूँ, कोई और भी है जो उसे पसंद करता है इसलिए तुम अब दोबारा मिस लू की ओर आंख उठा के भी नहीं देखोगे। और फिर से एक साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।